नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़मैन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। एक सामान्य परिवार में जन्मे गुरमीत सिंह मंगू ने वर्ष 1990 में स्कूल के दिनों में राजनीति में प्रवेश किया और लगातार राजनीति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए आम आदमी के सिपाही गुरमीत सिंह मंगू ने आम जन की समस्याओं व परेशानियों को देखते हुए लगातार संघर्ष जारी रखा और रैली व धरना प्रदर्शन के माध्यम से रीवा की जनता को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे गुरमीत सिंह मंगू ने विभिन्न सामाजिक संगठनों में अपनी हिस्सेदारी निभाई और संरक्षण भी दिया। उनके कार्यों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में शहर की कमान सौंपी। साथियों, आज हमारे बीच हैं कुशल नेतृत्वकर्ता, वक्ता एवं जुझारू नेता, आम आदमी के सिपाही, जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह मंगू जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़मैन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। सिटी न्यूज़मैन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगू जी। थैंक यू डॉक्टर सरवन जी। मंगू जी, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो आपने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से शुरू की थी, वो दिन क्या थे? सन 1990 और 91 का वो दौर था, बीजेपी की सरकार थी और मेरे जो वरिष्ठ थे आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, फिर विवेक तिवारी बबला से मेरी मित्रता थी और उनके साथ जुड़ के मैं कांग्रेस की विचारधारा की ओर बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते संघर्ष करते करते 1998 में मैं शहर की छात्र राजनीति हो, यूथ कांग्रेस की राजनीति हो, उसमें सक्रिय भागीदारी में शामिल हो चुका था। 1998 के चुनाव में भी मैं आदरणीय महाराज साहब के साथ तन मन धन के साथ उनकी सेवा में और कांग्रेस की सेवा में समर्पित होके पूरी ताकत के साथ लगा रहा। फिर वो दौर थामा नहीं। आपने जब राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना, उस समय आपके सामने क्या चिंताएं थी? आज आपका इस सिटी न्यूज वैन चैनल पे आपने बुलाया और कार्यक्रम का नाम दिया सच तो सच है। और डॉक्टर सैलेन जी सामने बैठे हो और दिलीप गुप्ता जी सिटी न्यूज वैन चैनल के पूरे रीवा जिले, रीवा शहर को कैद करते हो, तो मैं जब दिलीप गुप्ता जी को देखता हूँ तो पहले का भी दिलीप गुप्ता जी के दौर देखा और आज का जो दौर देखता हूँ तो एक भाव आता है। वह भाव होता है सेवा का, समाज का, और उस भाव में ये लगता है कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए और जो पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके साथ कहीं ना कहीं हमें खड़े होना है, क्योंकि सच तो सच है जी जी कि मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में बहुत संघर्ष किए पर आज जो भी संपन्नता है वो पिताजी के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से है। राजनीति में मेरे घर पर कोई नहीं था। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो राजनीति पे सक्रिय भूमिका, सामाजिक भूमिका में आगे आया ना चाहते हुए भी, क्योंकि जो रीवा का एक समीकरण है उस समीकरण को देखते हुए हर कोई भी समाज का व्यक्ति हो जो रीवा में रहता है वो रीवा की राजनीति को जितना थोड़ा बहुत समझता है तो यह सोचता है कि हमारा घर परिवार का बच्चा राजनीति में ना जाए। या मेरी परिकल्पना है या मेरी सोच है, मतलब ये सोचते कि उससे दूरी बना के रहे, दूरी बना के रहे, लेकिन मेरी जिद, मेरा संकल्प मुझे यहाँ तक खींच लाया
और आदमी को अपने लिए नहीं जीना चाहिए, आदमी के अपने साथियों, सहयोगियों और आम जनमानस के लिए जीना चाहिए। ये जीवन भगवान ने हमें जो दिया है, ये हमें दिया ही इसीलिए है कि आपको हम ये जीवन दे रहे हैं, आप हमें कुछ अलग हट करके कुछ बता के हमारे पास आना, अपने लिए जी के मत आना। जैसा भी आपने बताया कि आप जो है एक ऐसे परिवार से हैं जहां राजनीति का दूर दूर तक कोई बोलबाला नहीं था या कोई छूत ही नहीं थी कि राजनीति को छुआ जाए, फिर आप राजनीति में क्यों आए, वो क्या परिस्थिति है? परिस्थितियां कुछ नहीं थी, प्रभु की इच्छा थी, उस प्रभु की, ऊपर वाले की, सीताराम बाबा की, मेरे सारे गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने कुछ मेरे बारे में सोच रखा होगा कि नहीं ये व्यक्ति है, ये इंसान है, इसको आगे आना चाहिए, इसलिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया, मेरे गुरुजनों ने प्रेरित किया और मैं आगे बढ़ गया। जब आप राजनीति में आए तो किसी न किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा, किसी न किसी को अपना अपने गुरु माना होगा, हाँ। वो गुरु कौन थे और वो प्रेरणा स्रोत कौन थे? जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो मुकेश श्रीवास्तव जी के सानिध्य में शुरुआत की। बबला विवेक तिवारी बबला मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ लंबे समय उनके साथ घूमता रहता था, तो वहाँ से मुझे एक शौक कहें, राजनीति का एक रास्ता खुला, शौक कहें या मुझे खुद अच्छा लगा और मैं मुकेश श्रीवास्तव और बबला जी के साथ चल के राजनीति के पहले पायदान पे मैं घुस गया। तो आपने अपना गुरु किन्हें माना फिर? मुकेश श्रीवास्तव जी मेरे राजनीति में मुझे प्रेरित करने वाले और लाने वाले मुकेश श्रीवास्तव जी। आपने जब राजनीति में प्रवेश किया तो काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, तो क्या वो संघर्ष के दिन क्या थे? ये समाजवादियों की धरती है रीवा, और इस धरती पे जो तपेगा उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और ये धरती तप मांगती है। रीवा जिले की धरती एक तपोभूमि है और ये तप मांगती है, और बहुत सारे संघर्ष के दौर आए, मेरे ऊपर मुकदमे लगे, 16-16 मुकदमे लगे, जिला बदर की मेरे ऊपर कार्रवाई का प्रयास हुआ, एसपी संजय सिंह ने किया, मैं 5 से 6 बार जेल गया, आज भी मेरे ऊपर 4 मुकदमे, 2 अमैया थाने में है, 1 सिविल लाइन में है और 1 सिटी कोतवाली में। आज 2021 में मेरे ऊपर 4 मुकदमे अभी भी पिछले चल रहे हैं। कोरोना का मरीज रीवा आया, उसके लिए संघर्ष के लिए मैं अधिकारियों से मिलने गया, मुकदमा दर्ज हो गया। तो रीवा में जब जब कहीं कोई ऐसा लगा कि अन्याय हो रहा है या हमारे रीवा शहर के व्यापारियों को मेरी जरूरत है, आम आदमी को कहीं मेरी जरूरत है, तो गुरमीत सिंह मंगू उनके साथ सहयोगी बन के खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आपने आम आदमी की बात की, तो शहर अध्यक्ष बनने के पहले आप आम आदमी सिपाही के कोऑर्डिनेटर भी रहे, ये आम आदमी का सिपाही जो संस्था है ये क्या राजनीतिक संस्था थी या फिर आपकी बनाई हुई स्वयं की संस्था? नहीं, यह राजनीतिक संस्था थी और आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में यह संस्था बनी, आम आदमी का सिपाही, और पूरे देश में बनी। मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट कोऑर्डिनेटर 12 बने, 12 में 9 विधायक बन गए, उस समय स्टेट कोऑर्डिनेटर रीवा से 2 बने, गुरमीत सिंह मंगू भी बने और सुखेंद्र सिंह मन्ना जी बने। लेकिन सड़कों पे संघर्ष हर जगह, हर मोहल्ले पे, हर गली पे, जहाँ कोई भी आवाज़ बुलंद करनी हो, आम आदमी के सिपाही के रूप में मैं रीवा के हर आम आदमी के साथ खड़ा हुआ दिखा। सुखेंद्र सिंह मन्ना मऊगंज में खड़े दिखे तो मऊगंज की जनता ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद के रूप में विधायक भी बनाया। अभी मेरा ऐसा मौका नहीं आया, जब मौका आएगा तो रीवा की जनमानस ही मुझे आशीर्वाद दे। अभी जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले नगरीय निकाय के,
तो क्या इसमें आपकी भी दावेदारी मानी जा रही है? समाज सेवा और संघर्ष, संघर्ष और समाज सेवा दोनों अलग अलग धुरी नहीं है, एक ही धुरी है। संघर्ष होगा तो समाज सेवा होगी, समाज सेवा होगा तो संघर्ष होगा। और जब आदमी समाज सेवा और संघर्ष करता है तो हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हम कुछ पाना चाहिए, हमें कुछ लड़ना चाहिए, तभी तो उसका सही मतलब निकलेगा। हमने समाज सेवा की, हमने संघर्ष किया, जब हम वोट की राजनीति में आएंगे तब तो मूल्यांकन होगा कि हमारा संघर्ष अच्छा था कि बुरा था, हमारी समाज सेवा बुरी थी कि अच्छी थी। जब लड़ेंगे तभी अपने और पराए की पहचान होगी, जब हम लड़ेंगे नहीं तो संघर्ष और समाज सेवा और अपने पराए की पहचान नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति समाज सेवा, संघर्ष और सेवाएं दे रहा है आम जनमानस में, उसे एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। जैसा कि देखा गया है, चूंकि आपने बोला कि एक बार किस्मत आजमानी चाहिए, तो इस किस्मत को आजमाने के लिए रीवा में विगत 5 पंचवर्षीय भाजपा की सरकार है और उनके पास मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? 1997 से भारतीय जनता पार्टी का नगर नियम में सरकार है, महापौर है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पार्षद बीजेपी के ही हैं। और 2003 से भारतीय जनता पार्टी के ही जनता मूल्यांकन करे कि 23 वर्षों के, 2021 चल रहा है, 97 है, इन 23 वर्षों में वार्ड का विकास क्या हुआ, नाली का विकास क्या हुआ, कचड़े का विकास क्या हुआ। ये विकास की जो बातें बार बार, तो मैं विकास शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ, नाली का विकास हुआ तो धन्यवाद दीजिए जिन्होंने किया, कचड़े का विकास हुआ तो धन्यवाद दीजिए उन्हें जिन्होंने किया, सड़क का विकास हुआ तो धन्यवाद दीजिए उन्हें जिन्होंने किया, लेकिन नाली का विकास हुआ नहीं, सड़क का विकास हुआ नहीं और कचड़े का विकास हुआ नहीं। लेकिन कहने वाले लोग शहर में कुछ मोदी भक्त है जो विकास पुरुष कहते हैं कुछ लोगों को, हाँ विकास हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ विकास उनका व्यक्तिगत हुआ है। मूल्यांकन करिएगा, आज नहीं करेंगे, आने वाली नई पीढ़ी मूल्यांकन करेगी कि शहर की कीमती जमीनें बिक गई, खन्ना चौराहा की जमीन बिक गई, नए बस स्टैंड की जमीन बिक गई, काले चौराहा के आसपास की आने वाले समय में जमीन बिक जाएगी, बजरंग नगर गेट की जमीन बिक गई। जमीन बिकने से जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, मैं तो पूछना चाहता हूँ विकास करने वालों से कि जो बिल्डिंग तैयार हो रही है क्या उस बिल्डिंग से विकास की परिभाषा लिखी जाती है, कि विकास की परिभाषा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता से लिखी जाती है। एक रैम की कंपनी है रीवा में जी, जो इस समय पूरे शहर के अंदर नगर निगम का कचरा ढो रही है। ये किसकी है, किसकी जेब की है? अगर वह उनकी जेब की नहीं है तो जो मुझे सजा देनी होगी दे दीजिएगा। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ कि आदरणीय विकास पुरुष जी, आपने विकास किया है, अच्छा लगता है सुनने में, मैं स्वीकार करता हूँ आपके विकास को, मैं रानी तालाब के विकास को आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन समदड़िया के विकास पे आपको मैं धन्यवाद नहीं देना चाहता। बंसल की जमीन अभी काम रिवर फ्रंट का खत्म नहीं हुआ, हैंडओवर नहीं हुआ, जमीन बिक गई, रीवा के ही व्यक्तियों को आप लोगों ने जमीन भेज दी, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। अच्छे कामों के लिए आम आदमी का सिपाही हूं, हर उस व्यक्ति की तारीफ करूंगा चाहे वो व्यक्ति किसी भी दल का हो, लेकिन गलत कार्यों के लिए मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने रीवा शहर को सच में, जो सरकारी जमीन बेचने का काम अगर रीवा की धरती में किसी ने किया है तो वह व्यक्ति विकास पुरुष है। मैं तो धन्यवाद दूंगा महाराजा मार्तन सिंह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा महाराजा पुष्पराज सिंह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा देवराज सिंह जी को, मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उनके पूर्वजों ने रीवा में लोगों को बसाया, स्कूल के लिए जमीन दी, कॉलेज के लिए जमीन दी,
और व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जमीन दी, लेकिन जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई थी वो अगर किसी ने व्यक्ति ने बेचा है तो उसने कहीं ना कहीं हमारे पीठ के पीछे छुरा भोंका है। वो व्यक्ति कौन है, रीवा का आम जनमानस सब जानते हैं। तो आपका जो मुद्दा होगा क्या यही होगा या कुछ और होंगे? हमारा तो लगातार रीवा की जनता से अपील है कि 1997 से 2020 23 साल नगर निगम में कब्जा भारतीय जनता पार्टी का, महापौर पहले महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी, आशा सिंह, बीरेंद्र गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, ममता गुप्ता, इन पांचों महापौर भारतीय जनता पार्टी के, इन पांचों लोगों से सिर्फ इतना पूछा जाए और इंटरव्यू लीजिए आप पांचों का कि आपने वार्ड भ्रमण क्यों नहीं किया। अगर आप पांचों लोग वार्डों में जाते तो आज जो वार्ड की समस्या है वो समस्या नहीं होती। एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है और एक स्कूल के अंदर एक टीचर होता है। टीचर हिंदी भी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है। टीचर मतलब पार्षद, टीचर मतलब 45 टीचर पार्षद और एक प्रिंसिपल हो गया महापौर। महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि वह जब टीचर हिंदी पढ़ा रहा हो तो जाए और देखे टीचर हिंदी पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और बच्चों से जो 70-80 बच्चे उस क्लास के अंदर है उसके पेरेंट से मिले और उनसे बात करे कि ये टीचर हिंदी पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अगर ये पांचों महापौर वार्डों के अंदर गए होते, वार्डों के घर के लोगों से मिले होते, परिवार के लोगों से मिले होते तो शायद आज यह रीवा की दुर्दशा नहीं दिखती। चलिए हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वर्तमान में जैसा कि आपके पास शहर का दायित्व है, पूरे शहर का नेतृत्व आप कर रहे हैं और ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में आपके सहयोगी श्री शुक्ल जी हैं और आप दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है, इसके बावजूद आए दिन ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जहां पर ये देखने को मिला कि शायद संगठन में कहीं ना कहीं फूट है। नहीं, यह संगठन जो है कई फाकों में बटा हुआ है। नहीं नहीं डॉक्टर सैलेन जी, थोड़ा सा पीछे जाना होगा आपको जी। पहले कांग्रेस के अंदर असंतोष था आपस में तो दो ज्ञापन हुआ करते थे, शहर का अलग ज्ञापन होता था, ग्रामीण का अलग होता था। आपने भी देखा, आपके सिटी न्यूज वैन चैनल के मालिक आदरणीय दिलीप गुप्ता जी ने भी देखा, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब से हम अध्यक्ष हम बने, आदरणीय भगत जी बने, तो हम दोनों का एक ही लेटर पैड पे, अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की, एक ही लेटर पैड में न्यूज जाती है और ज्ञापन भी एक ही होता है। और 30 सालों बाद मुझे इस बात से खुशी है कि इतिहास के पन्नों में यह बात जरूर आएगी, 30 सालों बाद शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस का एक कार्यालय है जहां हम और जिला अध्यक्ष आदरणीय भगत जी बैठते हैं और लोग आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और कांग्रेस परिवार के बैठने की एक साधन है। पहले साधन वो घरों पे उपलब्ध थे, आज एक कांग्रेस का कार्यालय है जो कि 30 सालों बाद है। यह हमारी उपलब्धि, हमारी दोनों, हमारे आदरणीय भगत चाचा की और यह हमारी, यह उपलब्धि है कि हमने एक किराए का ही एक मकान लेकर हम शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस का एक कार्यालय खोल रखा है जहाँ हम कांग्रेस के सारे वरिष्ठ जन कार्यकर्ता सभी लोग आते हैं और आम जनमानस उसे कांग्रेस कार्यालय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो पहले वो पूछता था कि कांग्रेस कार्यालय शहर में कहाँ है। कांग्रेस का सेनापति होने के नाते वर्तमान जो परिवेश है इसमें आप क्या सुधार लाना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में पहले से बहुत अच्छे अच्छे सुधार हुए हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, नई नई लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है और आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, आपने देखा उनके रहते हर जिले के अंदर, हर जिले पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर एक समन्वय बना है, वरिष्ठ जनों का समन्वय, जूनियर जनों का समन्वय और कार्यकर्ताओं का समन्वय। कुछ विसंगतियां कहीं ना कहीं किस जिले में आ जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह बहुत अच्छा समन्वय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पे बना है।
अभी कुछ दिवस पूर्व किसान बिल को लेकर के एक महासम्मेलन भी आयोजित किया गया था और निसंदेह उसमें कहीं भी गुटबाजी नहीं दिखी। सभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे एक छत्र के नीचे दिखे। फिर ऐसी कौन सी घटना घटी कि ज्ञापन देने के दौरान कुछ उपद्रव जैसा हुआ? नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। कार्यकर्ताओं को लगा कि पुलिस हमारे नेता को आगे नहीं जाने देना चाहती है, तो कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया। और राजनीति में आक्रोश व्यक्त करना चाहिए, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हमें आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। अगर आप गुटबाजी की बात करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा आपसे डॉक्टर शैलेंद्र जी, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज उनके हर वार्ड में एक महापौर का प्रत्याशी है। फिर आप देखिए कि मैं तो धन्यवाद दूंगा बीडी शर्मा जी को कि बहुत लंबे समय बाद उन्होंने एक संगठन के व्यक्ति डॉक्टर अजय सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया। और बहुत लंबे अरसे बाद रीवा के कुछ बड़े नेता, विकास पुरुष जो रोकते आए हैं लोगों को, प्रदेश मंत्री मऊगंज केशव पांडे जी के लड़के राजेश पांडे जी को बनाया गया। तो आप देखिए कि उनको रोक कौन रहा था। डॉक्टर अजय सिंह के पिताजी को किसने रोका था? डॉक्टर अजय सिंह को किसने रोकने का प्रयास किया? राजेश पांडे जी को रोकने का किसने प्रयास किया? आज वीरेंद्र गुप्ता की हालत देख लीजिए, आज राजेंद्र ताम्रकार जी की हालत देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पुराने थे, शंकर सहनी की हालत देख लीजिए, शंकर सिंह की हालत देख लीजिए, राजगोपालचारी उसकी हालत देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष ने तो पुराने जो है, जैसे आडवाणी और अटल जी को लोगों ने घर बैठा दिया, ऐसे विकास पुरुष ने भी अच्छे अच्छे कांग्रेस बीजेपी के जो सक्रिय कर्मठ लोग थे उनको घर बैठा दिया। एक नाम और आपको बता देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे संतोष मिश्रा जी, जी जो आजकल मऊगंज में जिला संयोजक जिला बनाने का काम कर रहे हैं, उनको किन लोगों ने घर बैठा दिया। बीजेपी के लोगों को मंथन करना चाहिए कि आखिर वो बीजेपी जो कैडर की बीजेपी थी उसको खत्म करने का प्रयास किसने किया। जहाँ तक ये देखा जाता है कि बीजेपी में अगर संगठन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो संगठन दिखाई देता है, भले ही आपस में कितनी भी फूट हो। और हम बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में संगठन अलग अलग फोंकों में दिखता ही है, चाहे कितनी भी कोशिश करें। आपका निवेदन सुनिए, कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरों के घर पे देखने में उसको बड़ा मजा आता है, वो अपने घर का नहीं देखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष से पूछिए और यहाँ के संगठन मंत्री से पूछिए कि सरता सिंह को किसने घर बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री और विकास पुरुष से पूछिए कमलेश्वर सिंह को घर किसने बैठा दिया। वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया, वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, दादा मणिनाथ सिंह जी के पुत्र हैं राकेश सिंह जी, उनकी क्या उपस्थिति है, पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आदरणीय सरदार सतनाम सिंह जी हैं, उनसे आप पूछिए। वो आरएसएस के उस जमाने में जब कोई नहीं था तब वो अकेले माइक लेके भाषण देते थे आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सच ये है कि एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैडर को खत्म कर दिया, और वहां तो सबसे ज्यादा गुटबाजी। वर्तमान में अगर देखा जाए, बात की जाए, तो आप महापौर के प्रबल दावेदार हैं। अगर किसी कारणवश टिकट कहीं और जाती है तब आपके क्या प्रयास होंगे? मेरा एक आपसे निवेदन है डॉक्टर सैलेन जी कि मैं सेनापति हूँ, सेनापति का काम है युद्ध करना और युद्ध जिताना, और राहुल गांधी जी की सेना का सिपाही, आदरणीय कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष और कमलनाथ जी की टीम का सेनापति हूँ। तो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय कमलनाथ जी जिसको भी टिकट देंगे, और एक सेनापति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है को उस व्यक्ति को चुनाव जितवाए और पूरी ताकत लगा के, तन मन धन लगा के कांग्रेस का परचम लहराए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सेनापति हूँ मैं, लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शहर अध्यक्ष सेनापति हूँ, पार्टी जिसे देगी सर माथे पे लेते हुए उसे जिताने का काम करूंगा। मेरे लिए तेरा मेरा नहीं है, कोई मेरी पैतृक राजनीति नहीं है,
मेरी राजनीति समाज सेवा और संघर्ष की है और पार्टी लाइन की है और कांग्रेस की विचारधारा की है और हम सब गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए बढ़ते हैं। ये तेरा मेरा वही लोग करते हैं जिनके घर में से राजनीति शुरू होती है और जिनके घर में राजनीति खत्म होती है। मेरे घर से राजनीति न शुरू होती है और न खत्म होती है। मैं संघर्ष और समाजवाद में पैदा हुआ हूँ और मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे लिए तेरा मेरा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस का पंजा है और आदरणीय कमलनाथ जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। वर्तमान में आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? मैं अपनी जिंदगी का सफर बहुत अच्छा देखता हूँ, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता हूँ और पीछे मुड़ के देखता नहीं। दौर बहुत आएंगे, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। बुरे दौर को सलाम, अच्छे दौरों को चरण वंदन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। भविष्य में आपकी राजनीति और समाज सेवा को लेकर क्या योजना है? भविष्य की योजना 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, अमैया थाना बना, आपके सामने है, लोकार्पण हुआ, लक्ष्मण बाग घोषणा हुई, आदरणीय पीसी शर्मा जी ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी लेकिन सरकार गिर गई जयचंदों की वजह से। तो जब भी मौके आएंगे सरकार रहे या न रहे, संघर्ष जिंदाबाद, समाज सेवा जिंदाबाद के नारों के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप जो है युवाओं के आइकॉन हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो रीवा के युवाओं से एक ही निवेदन है कि पीछे मत देखो, आगे देखो, रोज शीशे पे देखो और शीशे पे रोज जब निकलो देख के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। पीछे देखोगे तो रीवा में मैंने जो अनुभव किया, रीवा में कानाफूसी ज़्यादा है, कानाफूसी की तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए एक लक्ष्य, पढ़ाई है तो उसका लक्ष्य, खेल है तो उसका लक्ष्य, राजनीति है उसका लक्ष्य, अगर बिजनेस है तो उसका लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य में भटकाव नहीं होना चाहिए। हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है में हमारे बीच आज आम आदमी के सिपाही जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सैलन जी, थैंक यू दिलीप भाई। सिटी न्यूज़मैन के द्वारा संचालित सच तो सच है कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।